दोस्तों, क्या आप लोग बाइक में क्लच प्लेट डालना चाहते हैं? तो भाई, क्लच प्लेट डालने से पहले एक बार स्पीड को पूरा देख लें। आज हम बताएंगे भाई, हब सेंटर में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट किस तरीके से मिलाते हैं जिससे कि आपकी बाइक का पिकअप हाई हो जाए। तो आपको बताएं दोस्तों, ये होती हैं प्रेशर प्लेट। देखिए दोस्तों, क्लच प्लेट में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, और भाई जो प्रेशर प्लेट होती है इसमें भाई उल्टा सीधा होता है। तो आज आपको भाई सही तरीका बताएंगे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट किस तरीके से हब सेंटर में मिलाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस, अब आपको बताते हैं आप लोग हब सेंटर में क्लच प्लेट कैसे फिट कर सकते हैं। चलिए नई क्लच प्लेट लाते हैं। तो यह है भाई, देखिए हीरो की क्लच प्लेट, यानी कि जेन्युइन पार्ट। तो भाई आप लोग जब भी क्लच प्लेट डालें तो भाई ओरिजिनल क्लच प्लेट डालें, लोकल काम दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। चलिए इसे निकालते हैं और डालते हैं क्लच प्लेट। तो देखिए भाई, ये है क्लच प्लेट। देखिए ये न्यू क्लच प्लेट है हीरो कंपनी की। देखिए आप लोग, इस पर लिखा हुआ है हीरो। देखिए शायद आपको दिखाई देता हो। देखिए आप लोग, चलिए अब आपको दोस्तों ये वाला सेंटर लेना है। सबसे पहले आपको ये वाले हब सेंटर में क्लच प्लेट फिट करनी है। तो आप लोग कैसे क्लच प्लेट फिट करेंगे, देखिए आप लोग, ये है प्रेशर प्लेट। देखिए प्रेशर प्लेट में उल्टा सीधा होता है। चलिए आपको दिखा दें कि आप लोग प्रेशर प्लेट कैसे डालें। देखिए एक साइड होती है इसकी झुकी हुई, देखिए आप लोग, एक साइड झुकी हुई होती है और एक साइड होती है दोस्तों, देखिए ये धार वाली, बिल्कुल दोस्तों सादा प्लेन, और एक साइड झुकी हुई होती है। तो आप लोग क्या करें, जो झुकी हुई है उसे नीचे रखें इस तरीके से। देखिए आप लोग, सबसे पहले डालेंगे हम क्लच प्लेट। तो भाई क्लच प्लेट में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, फिर भी दोस्तों आप लोग कोशिश करें, लिखा हुआ है ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से फिट करें, एक ले लें क्लच प्लेट, एक ले लें दोस्तों प्रेशर प्लेट। तो देखिए भाई, जो झुका हुआ इसका हिस्सा है वो रखें नीचे, देखिए इस तरीके से, ये है झुका हुआ, तो इसे नीचे रखें इस तरीके से, ऐसे। और उसी तरीके से आपको एक क्लच प्लेट लेनी है और एक प्रेशर प्लेट लेनी है, इस तरीके से जो झुका हुआ हिस्सा है उसे रखें नीचे। और आपको बारी बारी से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिट करना है। तो देखिए भाई, हब सेंटर में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट हो चुकी हैं। तो मैंने आपको कैसे बताया, उसी तरीके से आपको फिट करना है। चलिए इसका दूसरा वाला हब सेंटर लगाते हैं। देखिए ये दोस्तों बिल्कुल फिट हो चुका है। अब आप लोग क्या करें, ऊपर से ऑयल डाल लें, ऊपर से ऑयल डाल लें और दो एक बार इस तरीके से क्लच प्लेट को घुमा दें। आशा करता हूँ आप लोग क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसे फिट करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।